भगवान तो पहले से ही जान रहे थे, जब वो प्रथम भेड़ को ले गया होगा उसी समय भगवान जान गए थे। जब आया तभी एक प्रश्न होता है, सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं, तो भगवान क्यों स्वीकार कर लिया उसके साथ खेलना, जब जानते थे कि ये राक्षस है। तो स्वयं उत्तर देते हैं, भगवान क्या करें, भगवान ने देखा कि गोप का वेश बना करके आया है, तो भगवान वेश का भी बहुत आदर करते हैं। गोप का वेश बनाया हुआ व्यक्ति है तो, अरे वो तो है राक्षस बदमाश है, लेकिन गोप गाय का पालन करने वाले का बहुत अच्छे व्यक्ति का वेश बनाया है, तो भगवान ने थोड़े काल के क्षमा किया कि चलो। तो इस तरह से वैष्णव वेश जो है इसका आदर भगवान करते हैं, और इसीलिए सबका कर्तव्य है कि वैष्णव वेश में किसी को देखे तो आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में मीटर रखा है कौन कैसा है किस डिग्री का है हमेशा देखा करें, ये सब देखने का अधिकार नहीं है व्यक्ति को। जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, तो जीव मात्र को सम्मान देना चाहिए कि सबके भीतर कृष्ण है, और उस पर भी यदि वैष्णव है तो उसका तो विशेष आदर करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जिसके जिह्वा पर कृष्ण नाम हो तो मनसा द्रिय, तो मन से उसका आदर करना चाहिए, कोई पुण्यात्मा है तभी इसके जिह्वा पर श्रीनाम आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो भगवान केवल सुंदर वेश धारण करने के कारण उसको स्वीकार किए, और पूतना गोपी का वेश धारण करके गई थी, माँ का वेश धारण करके गई थी, तो भगवान ने केवल वेश धारण करने से पूतना को स्वीकार कर लिया, माँ बना लिया। भगवान के एक अद्भुत स्वभाव है, तो इसीलिए वैष्णव वेश का बहुत आदर करना चाहिए। किसी के ललाट में ऊर्ध्वपुंड तिलक हो देख करके प्रणाम करना चाहिए, और गले में कंठी है, शंख चक्र आदि का चिन्ह है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्षमाला, जो कंठ में तुलसी है या नलिन अक्षमाला है, और शंख आदि का चिन्ह है चललाट पर या पक्षस्थल पर कहीं भी, तो यह भी एक बहुत आनंद की बात है कि यह व्यक्ति भले ही मान लीजिए स्वभाव बस कुछ गलत काम उससे हो जाता है, लेकिन वह यह जानता है कि यह चिन्ह बहुत अच्छा है, ये भगवान के प्रिय का चिन्ह है, तो यदि उस चिन्ह का वो आदर कर रहा है तो वह आदर वास्तव में भगवान के आदर में पर्यवसित होता है, वो भगवान का आदर माना जाएगा। वो व्यक्ति कम से कम यह जान रहा है कि ये अच्छा चीज़ है, यह कम नहीं है। आजकल तो दुनिया में बहुत कम लोग ये वेश धारण कर रहे हैं, लाखों लाखों में एक आदमी मिलेगा कोई वेश धारण किया संसार में, दुर्लभ। तो वेश का भी बहुत आदर करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी तिलक धारण आदि करना एक स्वतंत्र भक्ति माने हैं, भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है तिलक मुद्रा धारण करना है, तो गोप वेश बनाया था इसलिए भगवान ने स्वीकार किया उसको। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायरी के नंबर 9987949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें।